दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी एंड नानकराम मशीनरी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट गुरकीरत सिंह। दोस्तों, हम आपके लिए वैसे तो बहुत सारे बिजनेस लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ जिसका मतलब मार्केट में हर जगह पर उसको लगता है, हर जगह पर उसकी मतलब जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे घर में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, कहीं भी मतलब ये बहुत अच्छा चलता है और मार्केट में इस टाइम बहुत इसकी डिमांड भी है। ये जो सभी मशीन्स हैं वायर प्रोडक्ट्स में आती हैं, जैसे स्क्रू मेकिंग मशीन, वायर नेल मेकिंग मशीन, बारबेड वायर, चेन लिंक, और भी हमारे पास और भी काफ़ी तरह की हैं, लेकिन आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ सभी मशीन हमारे पास। ये जो हैं ये आप देख सकते हो, सबसे पहले है कि स्क्रू मशीन का हेडर है, ये इसको हेडर मशीन कहते हैं। ये भी है और साथ में इसके लगती है एक रोल थ्रेड और साथ में कटर ग्राइंडर और एक है पॉलिशिंग ड्रम। आपको वीडियो में सभी दिख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा काम होता है स्क्रू मशीन में, मैं पहले उसकी जानकारी देने लगा हूँ। सबसे पहले मशीन में बनता है हेड, ये आप देख सकते हो, ये जो हेड होता है, इसमें वीडियो भी आपको देखना हमारी अंत तक, इसमें सारा दिखाएंगे आपको मशीन की वर्किंग कैसे क्या होता है सब कुछ, और सारी रॉ मटेरियल की जानकारी सब कुछ आपको मिलेगी। ठीक है दोस्त, इसमें है कि सबसे पहले अब वीडियो आपको साइड में दिखा भी रहे होंगे कि ये देखिए, आपके यहाँ पर हेड बन रहा है मशीन में स्क्रू का, आप ये मशीन की वर्किंग देख रहे हो। इसमें है कि ये हेड है 2 इंची का, इसमें आधी इंची से लेकर 2 इंची तक सभी इसमें साइज़ बन जाते हैं, आधी इंची, 1.5 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, इसमें आपको वीडियो में दिखा भी रहेंगे। इसमें 2 इंची तक आपके हेड जो बनकर तैयार हो रहा है, हमारे पास ये 3 इंची का भी हेड है, वीडियो में देख सकते हो। इसमें है कि आधी इंची से लेकर 3 इंची तक कोई भी साइज़ बना सकते हो इसके अंदर अंदर, जो भी चाहे 2, 2.5, 2.5, 3, 1, 1.5, सभी साइज़ बन जाते हैं। और हेडर के बाद में अब और जो इसमें जो वायर लगनी है इस स्टैंड पर लग जाती है, स्टैंड से अपने आप इधर से अंदर जाती है। वीडियो में आपको पूरा दिखा भी रहे होंगे कि जैसे वर्किंग है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये वायर स्टैंड है, वायर स्टैंड पर आपकी रोल लग जाता है, इसके अंदर से जाकर स्क्रू का हेड बनकर अपने आप नीचे गिरता जाता है। आगे आपको वीडियो भी दिखाएंगे इसकी वर्किंग कैसे क्या है सब कुछ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो आपके लिए नए नए बिज़नेस लेकर आते रहते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और बाकी अब ये आपको हेडर के बारे में बता दिया, इसके बाद आती है रोल थ्रेड। इसमें है कि रोल थ्रेड का काम है चूड़ी डालना इसको, और इसमें ये देख सकते हो, आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, ये जो स्क्रू बनकर तैयार हो गया इसमें, ये देखो, इसके बाद का काम है। अब इसने जाना है पॉलिशिंग ड्रम में, इसमें है कि पॉलिश होता है। दोस्तों, ये रोल थ्रेड, इसमें है कि जो हेडर से माल तैयार होता है स्क्रू का हेड बनकर, उसमें बाद में जाता है पॉलिशिंग ड्रम में, पॉलिशिंग ड्रम में पॉलिश होकर बाद में इसमें रख देना अपने सारा स्क्रू। इसमें ऑटोमेटिक है अपने आप स्क्रू आना, रोल थ्रेड होकर गिर जाना है, सेंसर सिस्टम लगा है, किसी भी आदमी को आपको यहाँ पर खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है पूरी। बस आपको ये ऊपर जो बना हुआ है टैंकी वाइब्रेटर, उसमें आपको रखना है स्क्रू भरकर, वही है रीफिल ही करना है, जब ख़त्म हो जाएगा अपने आप सेंसर सिस्टम लगा है अपने आप बनकर नीचे गिरी जाएंगे, आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। और ये एक और मशीन इसके साथ लगती है कटर ग्राइंडर, जो भी इनकी डाई वगैरह होती हैं हेडर की, रोल थ्रेड की, इनको जो भी धार लगानी हो उसके लिए वो चाहिए होती है, आप देख भी सकते हो, ये है कटर ग्राइंडर, ये आप देख सकते हो। हैवी, सभी मशीन्स हमारी हैवी ड्यूटी हैं और सारे पार्ट्स भी हार्ड एंड ग्राइंड डालते हैं, और मतलब कोई भी वैसे तो घिसते नहीं है, अगर फिर भी कोई माड़ा थोड़ा बहुत शार्प करना पड़े इस मशीन में हो जाता है।
तो ये हमारे स्पेशल ग्राइंडर हमने तैयार किए, इसमें है कि कहीं भी ये तीन यहाँ पर लगे हैं पत्ते, यहाँ पर एक लगा है, इसको है कि किसी भी डिग्री पर आपको करना है शार्प किसी भी डाई को, उसी डिग्री पर यहाँ से बोल्ट को लूज़ कर उसी डिग्री पर सेट कर आप शार्प कर सकते हो। ये स्पेशलाइज्ड ग्राइंडर मशीन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, ये है पॉलिशिंग ड्रम। जब हेडर के बाद में पॉलिश होना है इसमें आता है, इसमें पॉलिशिंग होकर इसमें यहाँ से नीचे लकड़ के बुरादे के साथ पॉलिश कर देते हैं इसको, नॉर्मल काम है बस, इसमें कर फिर रोल थ्रेड में जाता है। आपको वैसे वीडियो में भी दिखाएंगे आगे, और जो आपको वीडियो जो मशीन के बारे में बता रहा हूँ साथ साथ में आपको उनकी वीडियो भी दिखाता जाऊँगा आपको, ताकि आपको समझ लग सके कि क्या प्रोसेस कैसे है। और आगे अब आ जाता है बारबेड वायर मशीन, कटीला तार जिसको कह देते हैं, कांटेदार तार मशीन। इसमें कि जो बाउंड्री वॉल करते हैं हर जगह पर, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, यह बहुत आसानी है। इसमें GI वायर लगता है, इसमें कुछ नहीं है आपका, बस उधर से चार रोल लगने हैं आपके वायर के। वीडियो आपको दिखा देंगे साथ ही में, चार रोल लगते हैं अपने आप रोल बनकर कटीला तार के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इसमें है कि आपको कितने मीटर तक बनाना है कुछ भी है, सब मीटर भी लग जाता है, कितने मीटर तक आपको देखना है, इतना मीटर का रोल बन गया आपको स्टॉप करना है, स्टॉप भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें भी आपको आर्मी एक हलारने की जरूरत नहीं, जब रोल ख़त्म होएगा बस तब भी चेंज ही करना है बस रोल ऑटोमेटिक। और इसमें भी जो पार्ट्स सारे हमारे डलते हैं सभी बढ़िया पार्ट्स हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आप मशीन लोगे भी तो हमारा इंजीनियर आकर मशीन इंस्टॉल कर आपको ट्रेनिंग भी दे देता है, और इस बार में अगर कोई भी सर्विस चाहिए हमारा इंजीनियर आकर सोल्व सर्विस कर देता है। और अब अभी तक जो मैंने आपको वीडियो उसमें मशीन के बारे में बताया, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर हमसे इसकी जानकारी ले सकते हो या ऑर्डर भी कर सकते हो, और नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, चाहे हमारी फैक्ट्री विजिट करनी है विजिट भी कर सकते हो, और चाहे वीडियो कॉल कर मशीन्स भी देख सकते हो। आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हर जानकारी देंगे आपको। दोस्तों ये अब इसके ये अब इस बारबेड वायर के बारे में बता दिया, इसके साथ एक और लगता है चेनलिंग फेंसिंग मशीन जिसको जाली कह देते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि सड़कों में बाउंड्री किसी जगह पर करनी है, ऊपर जैसे कांटेदार तार लगा देते हैं, नीचे जाली लग जाती है। मतलब आपको वीडियो में दिखाएंगे भी कैसी जाली है, एक आधी फ़ोटो भी लगा देंगे कि आपको पता हिंट लग पता चल सके कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ये लगता है, और नेक्स्ट आ जाता है अब वायर नेल। ये आप देख सकते हो, ये मशीन वायर नेल की 2 इंची की, ये आपने देख ली, ये 2 इंची की मशीन, और ये आगे 4 इंची की है, ये भी 4 इंची की, और एक 3 इंची की है। ये आप देख सकते हो, इसमें भी बहुत आसान काम है कोई, ये भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। इसमें ये आपको वायर रोल इसमें लगाना है, स्टैंड पर रखना है, इसमें अंदर अपने आप जाएगी और किल बनकर अपने आप रेडी होकर बाहर निकल जाएगा। आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे, बहुत आसान काम है। इसमें भी बस एक आदमी की जरूरत है नॉर्मल की हेल्प, जो वो काम कर लेगा वही इसी में कर लेगा। इसमें कि रोल लगाना है ऑटोमेटिक बनता जाएगा, जब चेंज करना है बस वही है। इसके साथ एक पॉलिशिंग ड्रम, जब यहाँ से रेडी हो जाता है वायर नेल, फिर पॉलिशिंग ड्रम में जाता है पॉलिश होने के लिए, पॉलिश होकर फिर आपका जो वायर नेल है रेडी हो जाता है। दोस्तों जैसे अब मैंने आपको वीडियो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, और जैसे ये आप कोई भी आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वायर नेल की, जितने इंची का बनाना है आप हमें बताइए, हम आपको मशीन दे देंगे। हमारे पास 2 इंची 3 इंची तक की, 4 इंची 7 इंची 8 इंची तक मैक्सिमम है। आपको जो भी आप कहोगे हम आपको रेडी करके दे देंगे। और जैसे ये है कि 4 इंची अगर मशीन लोगे, 4 इंची से नीचे के बनेंगे सभी, मैक्सिमम 4 इंची तक बनेंगे, 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची तक बनेंगे। अगर 3 इंची की मशीन लोगे उसमें मैक्सिमम 3 इंची तक ही बनेगा, वो आप पर रिक्वायरमेंट है, जैसे आप जो आप हमें कहोगे हम वही वैसी आपको मशीन रेडी कर देंगे। और ये है कि बहुत आसान बिजनेस है ये जो आपको आज वीडियो में बता रहा हूँ, कि मतलब कोई आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ GST नंबर लीजिए और काम शुरू करिए। ये आपको सैंपल दिख भी रहे होंगे वायर नेल के, ये जैसे आपके 4 इंची के हैं, आप देख सकते हो पूरा मतलब A1 क्वालिटी निकलती है।
इसके अब वायर नेल के साथ ये एक मेन मशीन ये हो जाती है, एक पॉलिशिंग ड्रम आपको बता दिया जो यहाँ से मटेरियल रेडी होना है पॉलिशिंग ड्रम में जाना है। इसके साथ फिर से एक कटर ग्राइंडर मशीन लगता है। इसमें आपको पहले भी स्क्रू मशीन में भी आपको बताया था कि ये हमने हमारी स्पेशलाइज्ड मशीन है, इसमें कि किसी भी डिग्री पर आप कर उसकी जो डाइस होती हैं मशीन की, चाहे स्क्रू की हो चाहे वायर नेल की हो, किसी भी डिग्री पर आप सेट कर आपको वो अपनी डाई को शार्प कर सकते हो। ये हमने स्पेशलाइज्ड बनाई हुई है इन्हीं मशीन के लिए। दोस्तों मैंने ये आपको मशीन के बारे में तो बता दिया है, एक ये है कि आप सभी मशीन्स को आप लगा सकते हो क्योंकि इसकी मार्केट एक ही है, चाहे हार्डवेयर की दुकान में जाना या चाहे होलसेलर, उनको सभी रॉ मटेरियल चाहिए, ये स्क्रू भी चाहिए, वायर नेल भी चाहिए, बारबेड वायर भी चाहिए, क्योंकि उसने करना तो सेल हार्डवेयर की शॉप्स पर ही है। और दोस्तों इसका रॉ मटेरियल जो बनाती है मशीन वो भी हमारे पास ही मिल जाएगी, जिसका नाम बाइंडिंग वायर होता है, वायर ड्रॉ भी कह देते हैं, वो भी आपको हमारे से मिल जाएगी। उसमें काम ये होता है मोटी वायर लेकर आप जितनी मर्जी पतली कर सकते हो, चाहे 5 गेज की लेकर आप 12 गेज तक कर सकते हो, 20 गेज तक कर सकते हो, वो हमारे पास मशीन जैसा आप कहोगे कितने से कितने गेज करना है हम उसी हिसाब के आपको वो मशीन्स बना कर दे देंगे। बाकी आपको और भी मशीन के बारे में, किसी भी और मशीन के बारे में जानकारी चाहिए हो, मैं फिर से बता रहा हूँ नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे वीडियो पर भी आ रहे होंगे, उस पर आप कॉल कर या व्हाट्सएप कर, अगर कॉल ना उठाया जाए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर रिप्लाई देंगे और सारी जानकारी आपको देंगे, जो आपको जानकारी चाहिएगी हम आपको शीघ्र देंगे। दोस्तों आपको अगर कोई रॉ मटेरियल भी चाहिए, हर सिटी में वैसे आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, अगर आपको हमारे से भी चाहिए हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बाकी आपके हर सिटी में भी पता करवा देंगे आपके कहां पर क्या रॉ मटेरियल मिलता है। बाकी जब भी आप ऑर्डर करोगे, जैसे ऐसे वुडन बॉक्स में शिपिंग होती है, ये आप देख सकते हो वुडन बॉक्स में हमारी मशीन जाती हैं ऐसे डिस्पैच होकर, मतलब पूरी फुली सेफ्टी से आपके पास पहुँचेंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपने कोई भी ऑर्डर करना हो, मैं फिर से कह रहा हूँ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर या व्हाट्सएप कर आप मैसेज कर सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जो रोज़ नई नई वीडियोस आपके लिए डालते हैं सबसे पहले आपको पता चल सके। और अगर आप हमारी फैक्ट्री विज़िट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये दूर है, तो आप चाहे हमें वीडियो कॉल कर हम वीडियो कॉल कर सकते हो, हम आपको यहाँ पर मशीन की मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा देंगे और सब कुछ आपको दिखा देंगे, मशीन की वर्किंग सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आप देख भी सकते हो, सभी यहाँ पर फैब्रिकेशन यहाँ पर ही होती है। ये जैसे आपका बन रहा है मशीन्स के फ्रेम बन रहे हैं, इधर फ्रेमिंग एरिया है, पीछे पेंटिंग एरिया है, उधर फैब्रिक जो बनती हैं रेडी होती हैं वो है पूरा, मतलब हमारे यहाँ पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं बाहर से कुछ नहीं लेते हम, बाकी सब कुछ हमारे पार्ट जो बढ़िया डालते हैं A1 क्वालिटी होती है, सभी शाफ्टें हार्ड एंड ग्राइंड होती हैं, EN28 की कुछ EN8 की होती हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया डालते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में बेल सब्सक्राइब बटन दबाकर साथ में बेल आइकन भी दबाएं, थैंक यू। दोस्तों हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें और बेरोज़गारी ख़त्म हो।
हमारा ये सबसे मेन बड़ा मोटिव है कि बेरोज़गारी हम ख़त्म करें, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत बिजनेस लेकर आते हैं। आप चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर देख भी सकते हो, सुखराम मशीनी कंपनी एंड नानकना मशीनी कंपनी पर हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस लेकर आते हैं, इसीलिए लेकर आते हैं कि हमारे देश में बेरोज़गारी ना रहे। और धन्यवाद आपने हमारी वीडियो को देखा, एक बार फिर से कह रहा हूँ लाइक शेयर एंड कमेंट। दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।